मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक का 3रा अध्याय आप सभी छात्रों के समझ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा अध्याय जो कि जिसका नाम है ईद, ईद यानी मुस्लिम वर्ग के का सबसे प्रमुख त्योहारों में से आता है। रमजान, ये पवित्र महीने रमजान के महीनों में ईद मना के अंतिम दिन ईद मनाया जाता है। यह अध्याय त्योहारों का महत्व क्या होता है, त्योहारों के पीछे कौन सा रहस्य होता है, महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। इस अध्याय का नाम ही है ईद यानी त्योहारों का महत्व। तो हम कक्षा 7 के सभी छात्रों से एकाग्रचित होकर के इस अध्याय को समझने का संदेश दे रहे हैं कि आप एकाग्रचित और ध्यानपूर्वक इस त्यौहार का महत्व क्या होता है इसको आप ध्यान देंगे और समझेंगे। चलिए चलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व अनूठा देश है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, क्योंकि यहाँ किसी धर्म या संप्रदाय विशेष की प्रमुखता देने की बजाय सभी धर्मों, संप्रदायों व संस्कृतियों को समान महत्व दिया जाता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। किसी यहाँ पे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को का महत्व विशेष रूप से नहीं दिया जाता है। इस देश के लिए सभी धर्म जो है समान, सभी धर्मों का समान महत्व होता है। भारत में विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों को मनाने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अतः यहाँ सभी तीज त्यौहार बहुत धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपना जो पर्व है, अपना अपना जो त्यौहार है, हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ वह धूमधाम से मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्व अपने विशेष महत्व रखते हैं। जो भी धर्म का पर्व मनाया जाता है उसका अपना विशेष महत्व होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्वों में से एक विशिष्ट यानी विशेष पर्व है ईद। ईद मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा, सबसे विशिष्ट व पवित्र त्यौहार है। ईद वर्ष में 2 बार आती है। पहली ईद को ईद उल फितर, ध्यान देंगे, पहली ईद को ईद उल फितर यानी जो अभी मनाया जा रहा है, तथा दूसरी ईद को ईद उल अदा कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर रमजान के महीने के अगले महीने यानी शव्वाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है। रमजान के महीने में 30 दिन होते हैं। इस महीने को पवित्र माना जाता है। इस महीने में पूरे 30 दिनों के लिए मुस्लिम संप्रदाय द्वारा उपवास यानी भूखे लोग उपवास रखे जाते हैं, जिन्हें रोजा कहा जाता है, जो कि चल रहा है अभी। इन 30 दिनों में सुबह की अजान यानी सुबह सुबह मस्जिद से आती हुई आवाज से पहले भोजन किया जाता है। इस भोजन को हम सहरी कहते हैं। सहरी में अधिकांशतः फलों का प्रयोग किया जाता है। रोजों के समय सहरी के पश्चात पूरे दिन कुछ भी खाने पीने का नियम नहीं है। पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर संध्या के समय सबसे पहले यानी इस संप्रदाय के लोग पूरे दिन उपवास यानी भूखे रहते हैं। पूरे दिन भूखे रहने के बाद संध्या के समय सबसे पहले खजूर खा करके रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने के बाद जो भोजन किया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है
कि लोग रोजा खुलने के बाद से भोजन कर रहे हैं, इसी को हम इफ्तार कहते हैं। इफ्तार कहते हैं रोजों के दौरान लोगों द्वारा घरों तथा मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है तथा शुद्ध आचरण करते हुए दान पुण्य आदि किया जाता है। आचरण शुद्ध लोग रखते हैं अपना। रमजान के महीने में दिए जाने वाले इस दान को सदका उल फितर कहते हैं। इस अवसर पर गरीबों व जरूरतमंदों को विशेष रूप से चावल, जौ, खजूर आदि का दान दिया जाता है ताकि वे भी ईद के सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर ढेर सारी खुशियां मना सकें और कोई दुखी, कोई भूखा या कोई उदास न रह सके। इस महीने में लोग ईद की जोर शोर से तैयारियां करते हैं। बाजारों की रौनक व चहल पहल देखते ही बनती हैं। लोग अपने व अपने परिवार, मित्रों, संबंधियों के लिए नए नए वस्त्र, सुंदर सुंदर उपहार आदि खरीदते हैं। ईद के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा विशेष रूप से हथेलियों पर मेहंदी रचाई जाती है। ईद के दिन सुबह से ही प्रत्येक घर में जोश और उमंग का वातावरण होता है। इस दिन घर के पुरुष सुबह नहा धोकर तथा नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, जो कि ये दिया गया है। सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे कैसे एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद के दिन नमाज अदा करने के लिए नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिदों में जाते हैं। मस्जिद में जाने से पहले लोगों द्वारा इस्लाम में निर्धारित नियमानुसार और अपनी वार्षिक आमदनी का एक निश्चित भाग जो है उस दिन दान में दिया जाता है। ईद के दिन दिए जाने वाले इस दान को जकात कहा जाता है। महिलाओं द्वारा तथा लड़कियों द्वारा घर में ही ईद की नमाज अदा की जाती है। नमाज समाप्त होने के बाद लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, जो कि गले मिलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। नमाज समाप्त होने के बाद ईद मुबारक कहते हैं। नमाज के बाद लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घर ईद मिलन के लिए जाते हैं। इस अवसर पर घर के बड़ों के द्वारा घर के छोटों को उपहार दिए जाते हैं। आगे इस अवसर पर छोटों को विशेष रूप से उपहार स्वरूप जो पैसे या रुपए दिए जाते हैं उसे ईदी कहते हैं। ईद के दिन सभी घरों में सेवइयां बनाई जाती हैं, जो कि पुस्तक में दिया गया है। ये सेवइयां हैं। इसके साथ ही इस अवसर पर बिरयानी, इसके बगल में है बिरयानी, हलीम, कबाब, सिर खुरमा, फिरनी आदि स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। ईद उल अदा, तो ये रहा ईद के बारे में। अब दूसरा ईद, ईद उल अदा या ईद उल जुहा का पर्व त्याग की भावना पर आधारित होता है। त्याग यानी बलिदान की भावना पर आधारित होता है। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार घुल हिज्जा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस दिन लोग नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिदों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। इस अवसर पर भी लोग अपने मित्रों व संबंधियों से मिलने उनके घर जाते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर ईद की बधाई देते हैं। मान्यता के अनुसार ईद उल अदा का पर्व पैगंबर इब्राहिम के दिखाए गए त्याग के मार्ग पर चलने की कामना से मनाया जाता है। माना जाता है कि एक बार खुदा ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देने के लिए कहा। इब्राहिम सहर्ष उनकी मांग को स्वीकार करते हुए अपने प्रिय पुत्र का बलिदान करने को तैयार हो गए। जब वे अपने पुत्र की बलि दे रहे थे तो उस समय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने पुत्र का बलिदान देने के पश्चात जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके पुत्र के स्थान पर एक भीड़ थी। खुदा ने उनके त्याग से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के प्राण बख्श दिए। तभी से प्रत्येक वर्ष ईद उल अदा के अवसर पर लोग खुदा को प्रसन्न करने के लिए इब्राहिम की ही तरह अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान देते हैं। आमतौर पर इस अवसर पर बकरी या भेड़ की बलि दी जाती है तथा उनका मांस गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार ईद के दोनों पर्व जो हैं
बुराई व मोह माया का त्याग कर पवित्रता धारण कर ईश्वर के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने, अपने चारों ओर खुशियां बांटने और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। तो ये रहा ईद त्यौहार का महत्व। ईद जो त्यौहार हैं, ईद का के जो दोनों पर्व हैं, वो बुराई और मोह माया का त्याग करके पवित्रता धारण कर ईश्वर यानी खुदा के समक्ष अपने स्वयं को प्रस्तुत करने की प्रेरणा और चारों ओर खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। और कोई भी किसी भी धर्म का जो पर्व है, वो चाहे हिंदू संप्रदाय का धर्म हो का त्यौहार हो, या मुस्लिम संप्रदाय का त्यौहार हो, या सिख और ईसाई धर्म का त्यौहार हो, सभी त्यौहार एक दूसरे के को खुशियां प्रदान करने की प्रेरणा देता है और एकता के साथ मिलजुल कर रहने और खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय की समाप्ति यहीं पे हम करते हैं। गृह कार्य के रूप में हम कठिन शब्द दे रहे हैं। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, खास। इफ्तार का अर्थ होता है रोजा खोलते समय किए जाने वाला भोजन। उपवास का अर्थ होता है व्रत। सहरी का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले किए जाने वाला भोजन। संध्या का अर्थ होता है शाम। आचरण का अर्थ होता है आचार या व्यवहार। सदका का अर्थ होता है दान। रमजान का अर्थ होता है इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना। उमंग का अर्थ होता है उत्साह। जकात का अर्थ होता है ईद के अवसर पर दिया जाने वाला दान। पैगंबर का अर्थ होता है मार्गदर्शक। बलिदान का अर्थ होता है त्याग। इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। इसके साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। ईद किस संप्रदाय का पवित्र त्यौहार है? तो ईद मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र त्यौहार है। इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना जो कि अभी चल रहा है रमजान है। रमजान के महीने में रखे जाने वाले उपवास को क्या कहते हैं? तो रमजान के महीने में रखे जाने वाले उपवास को रोजा कहते हैं। ईद उल फितर के अवसर पर कौन सा विशेष व्यंजन बनाया जाता है? तो ईद उल फितर के अवसर पर ईद उल फितर के अवसर पर सेवइयां जो है विशेष व्यंजन, सेवइयां के रूप में विशेष व्यंजन बनाया जाता है। इसके साथ साथ आप मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर आप लिखकर याद कर लेंगे। ईद वर्ष में कितनी बार आती है और उनके क्या नाम है? ईद उल फितर का पर्व कब मनाया जाता है? सहरी किसे कहते हैं? सदका उल फितर क्या होता है? ईद उल अदा का पर्व कब मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न इस अध्याय के अनुसार आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे नेक्स्ट अध्याय की शुरुआत करते हुए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहा है। धन्यवाद।